सर, ये आज का ये कार्यक्रम है सर, इसके बारे में दोस्तों जानकारी दे दीजिए सर। आज महात्मा हैनीमैन, जो होम्योपैथिक साइंस के पूरा जन्मदाता हैं, उनका आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। खासकर इन्होंने जो आज तक पूरे विश्व को दिया, जो आज जो गरीब के लिए इलाज यहाँ होम्योपैथी के द्वारा होता है। और मैं डॉक्टर कृष्ण बिहारी सिंह, जयनगर होम्योपैथी के एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो जयनगर शाखा है उसके अध्यक्ष हैं। और आज उन्हीं जैसे हनुमान साहब के जन्म जयंती के अवसर पर हम सारे चिकित्सक यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। डॉक्टर मदन प्रसाद, मधुबनी से आया हूँ मैं। हमसा आयुष होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के का अध्यक्ष हूँ और ऑर्गेनाइजेशन प्रो होम्यो मिशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज और मैं पंडोल के हरिपुर में चिकित्सा पदाधिकारी आयुष हूँ। डॉक्टर राजकुमार निरल, मैं जयनगर निवासी हूँ। 11-12 साल से जयनगर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, होम्योपैथ का प्रैक्टिस। मैं डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद यादव, करीब 38 साल से जयनगर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हैनीमैन साहब के जन्मदिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में चिकित्सकों के बीच उपस्थित हूँ। सर, ये हैनीमैन ये होम्योपैथी के जन्मदाता है सर। होम्योपैथ के क्षेत्र में मैं भी काम कर रहा हूँ। हैनीमैन के जयंती के अवसर पर आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। हम भी जयनगर में 25 साल से होम्योपैथ का प्रैक्टिस सर, आप भी डॉक्टर हैं? जी सर, मेरा नाम डॉक्टर नीलकमल भारती हुआ। हम भी जयनगर में बेलवा टोला में आज 5 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज डॉक्टर हैनीमैन साहब के जन्म जयंती पर यहाँ उपस्थित है। गुलशन होम्यो निकेतन जयनगर में 40 सालों से सीतामढ़ी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। सब पह पहुँचे, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो और ये आपके प्रांगण में, विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैनीमैन साहब का ये 264वां जयंती मनाया जा रहा है। तो जो लोग मना रहे हैं, डॉक्टर लोग, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आप जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और आप इलाज कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ये होम्योपैथिक से हमारे अंदर जो आंतरिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, ये बहुत ही अच्छा इलाज करती है और ठीक हो जाता है। लेकिन एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे अंदर मनोविकार है, उसको निकालने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति राजयोग मेडिसन, राजयोग मेडिटेशन जो है ये मेडिसिन है, इसको भी आप साथ में यूज करेंगे तो इससे और लोगों का भी कल्याण होगा, आपका भी उन्नति होगा। थैंक यू।